पूनम आउ आशा परी नुआ बहु पूनम को निज ससुर घर को आसिबार सात दिन बीती जाइतिला। से निज स्वामी राघवर परिवार को बुझिबा को चेष्टा करूतला। सेमितरे भी गोटिए स्त्री लोक पाई ता सासुघर आउ बापघर भितरे बहुत पार्थक्य रही थाए। निज बापघरे तो झीओटी पाई संपूर्ण स्वाधीनता रही थाए, किंतु सासुघर को आसिबा परे ताकु हाते चाखेंडे माफिक चालिबा को हुए। दिने पूनम को तार सासु ताकु भोर पांचटार उठिबा को कहिले, आउ घरर सफा सुतरा सहित कपड़ा एवं रोसई कार्य सारिबा को मध्य कहिले। से आहुरी मध्य कहिले जे निज बापघरे जहाँ भी किछि करिथिलु सबु भूली जा, आउ एठिकार नियम को मानि चल। पूनम मध्य सहमति जणै कहिला जे से सेमितिरे भी छटार उठे, आउ गोटे घंटा पूर्वर उठि पड़िबो, सेथिरे कोन अछि। सेथिपई ताकु रातिर सोइबा समय मध्य बदलैबा को पड़िबो। सासु मध्य रोकठोक जणै देले जे तू शीघ्र सो कि जल्दी सो, तते भोरर उठिबा को पड़िबो ही पड़िबो। आउ ता पर दिन भोर 5:15 बाजिबा मात्रे सासुमा पूनमर कबाट बाड़ेबा आरंभ करिदेले। पूनम हड़बड़ई उठि पड़िला, आउ शीघ्र शीघ्र आसी कबाट खोली देला। पूनम ता सासु को कहिला जे से केते बेळ उठि सारिथिला। आउ ता सासु रागी जाई कहिले जे जदी उठि सारिथिलु ताले बाहर को न आसी भितरे कोन करूथिलु। पूनम कहिला जे से घरर सब कपड़ा पत्र सजड़ा सजड़ी करूथिला। सासु पुणी रागी जाई कहिले जे पूनम को से जेमिति कालीठारु भोर 5:00 घरु बाहरु देखंती। एबे पूनम को ता बाप घर कथा मन पड़ जाऊला, जिते बेले कि ता माँ बहुत स्नेहरे ताकु उठाई देउथिले। एमिति कि पूनम प्रस्तुत हबा पूर्वरु चा तयारी होई रहउथिला। पूनम को ए सब कथा मन पड़ जाऊला, किंतु ता परवर्ती मुहूर्त रे से घर काम करिबा आरंभ करि देला। पछरे थाई सासु पूनम को लक्ष्य करूथिले, आउ कहिले जे एटा तो बाप घर नुहे, एटा तो सासु घर, एठी काम को शीघ्र शीघ्र करिबा को पड़िबो। सासु पूनम को पूरापूरी भाबे तांको घरर चाकर करि देइथिले। बाहागर पूर्वरु पूनम ससुर घर को नहीं जेउ स्वप्न देखिथिला से सबु किछि भी पूरण हेउ नथिला। बिचारी मरिकष्टि घरर सबु काम करूथिला, आउ सेतेबेले ता स्वामी आराम से निघोड़ निद्रा रे सोइथिला। आउ सासु मध्य तांको पुओ को किछि भी कहु नथिले, काहेकिना से तांको अलिअलि पुओ थिला, जेतेबेले कि पूनम को घरर सबु काम संभालिबाकु पडुथिला। कहिबाकु गले से बिचारीर जिना हराम होइ सारिथिला। पूरा दिनर काम करि सारिबा परे पूनम क्लांत होइ पडिथिला। राति समय रे पूनम को ज्वर आसी जाइथिला, से ठीक से खाद्य खाई पारिलानी, आउ सीधा आसी खटरे सोई पड़िला। सेतेबेले पूनम रो सासुमा सेठारी आसी पहुंचिली, आउ ताकु गाली करिबाकु लागिले जे ता मा कोन आसी से ओइठा बासन सबु माजिबो। पूनम काकुति मिनत होई सासु को कहिला जे ता देह बहुत दुर्बल अछि, देहर ज्वर अछि, से सकाळे माजि दबो। किंतु सासुमा किछि सुनिले नाही, उल्टी ताकु गाली कले जे से बेमारी रो बहाना करूछि। उल्टा ताकु अभिजोग करिबाकु लागिले जे टिके काम करिबारु ता देहरे गरम आसी जाइछि, जहाकु कि से जरर ना देउछि। सासुमा उल्टा कहिले जे तांको जुवती समय रे से एमितिका गरम बहुत सहिछंती। आउ तांको पुआ राघव को मध्य अभिजोग कले जे से ता स्त्री को भल भाबरे बुझै दउ, एठारे काम करिवार नियम अलग प्रकार रो। पूनम मा जेमिति कहउछंती तू सेमिति कर, जाई कि बासन माजि दे। एमितिका अभिजोग पूनम ता स्वामी ठारु सुनी ता मनरे जोरदार धक्का लागिला। शेषरे ता स्वामी मध्य ता दुख बुझिला नाही। पूनम रो आखिरे लुह जकेइ आसिला, आउ से मन दुखरे बासन माजिबाकु चलीगला। ता आखिरु जेमिति लुह बंद हेउ नथिला से मन दुखरे काम करि चलीथिला। ठीक सेतिक बेले झरका पटु किछि आलोक रश्मि देखागला। पूनम चमकी पड़िला, से ध्यान सहकारे देखिबारु झरका सेपटे गोटिए परी ठिया होइथिला। परिजनक पूनम को लुह पोछि देइ मन दुख न करिबाकु अनुरोध कला। परिटी पूनम को कहिला जे से तार दरज बुझिपारे, आउ से ताकु निश्चिंत साहाज्य करिबो। परी पूनम को भीतर को आसिबाकु परामर्श मागिला, आउ पूनम मध्य सम्मति जणैला। किंतु पूनम भय करूथिला कि ता सासुमा काले से परी को देखिदेबो, किंतु परिजनक कहिला जे से आशा परी अटे, आउ केवल पूनम ही ताकु देखिपारिबो। परी केवल जहाकु चाहिबो से केवल ताकु ही देखिपारिबे, एवं से पूनम को कहिला जे धुआ होइथिबा बासन गुड़िक थोई देई आसु। पूनम जेमिति बासन गुड़ी को देखिला से आश्चर्य रे चाहि रहिला, काहेकि ना ओइठा बासन गुड़ी को भल भाबरे धुआ होई सारिथिला। पूनम रो ज्वर आउ देहर दरज मध्य उभान होई सारिथिला। से ए सब काम पई परिराणी को धन्यवाद देला, आउ परि मध्य कहिला जे से तार दुख आगरु जाने, आउ खास सेथि पई केवल ताकु साहाज्य करबा पई एठाकु आसीछि। आशा परी एहा सुनी आश्चर्य हेउथिला जे जणे स्त्री लोक केमिति सासु हेला परे बहु को कष्ट देई पारंती, काहेकि ना से भी दिने बहु थिले। आउ तापरे आशा परी पूनम को टिके विश्राम नबा पाई कहिला, काहेकि ना से ठीक भाबरे खिया पिया आउ विश्राम नेइनी।
पूनम जेहेतु ठीक से खियापिया करिनी आउ विश्राम मध्ये नेइनी तेणु परी ताकु भल भाबरे सोइबाकु अनुरोध कला आउ बाकी सबु काम से निजे संभाली दबो बोली पूनम को कहिला। परी कहिबा अनुसार पूनम निश्चिंतर जाई आराम से सोइगला आउ ता परदिन सखाळु से ठीक समय रे उठि पारिला नाही। सेतेबेले सकाळ 6टा बाजि सारिथिला आउ 6टा बेले हठात जेतेबेले ता निद भांगी गला से पूरा पूरी भाबे डरी जाईथिला। पूनम को ता सासुमार कथा मन पड़गला। पूनम जेमिति कबाट खोली बाहर को चाहिची से केवल चाही रहिला। पूरा घर सफा सुतरा होई सारिथिला आउ खाद्य मध्ये प्रस्तुत होई रहिथिला। सासुमा आउ गोटिए कोठरी रे आराम से बसिथिले। पूनम सेठारु सीधा गाधेइबा पई चली गला आउ किछि समय परे से जेतेबेले सासुमांक पाखरे जाई पहुंचिला से बहुत खुशी थिले आउ ताकु कहिले जे देखिलु बहु तू जहाँ को ज्वर बोली कहुतुलु सेटा प्रकृतरे तो देहर गरम थिला सेटा किछि नुहे तू करिबाकु साहस कलु आउ सबु काम ठीक ठाक होइगला। एबे पूनम भल भाबरे बुझि सारिथिला जे ए सबु काम आशा परिर किंतु से सेठारे किछि कहिला नाही आउ चुपचाप चली गला। सासु एबे पूनम को पछरु डाकी प्रशंसा करी कहिले जे पूनम तुम चुटी रे तेल लगे जे मालिश करी देइथिलु ना मो मुंड बिंधा पूरा पूरी भल होइगला। पूनम केवल आश्चर्य होइ हां भरिला आउ परवर्ती मुहूर्त रे जानि परिला जे ए सबु काम आशा परिर। एमिति किछि दिन परे पूनम रो स्वामी राघव विदेश जिबा पई प्रस्तुत होइगला। पूनम मु कलिकता जाउछि कलिकता जिबा परे तुमे मार ध्यान रखिथिबो बुझिलो। पूनम मध्ये ता स्वामी को व्यस्त न होबा पई आश्वासन देला आउ से कहिला जे से सासुमांकर संपूर्ण रूपे ध्यान रखिथिबो। एमिति रे संध्या समय आसी सारिथिला आउ पूनम को ता मार कथा बहुत मने पडुथिला। सेतेबेले आशा परी सेठाकु आसी कहिला जे पूनम तो माँ कथा मन पड़ुची कि तू घर को जिबाकु चाहुचु कि किंतु पूनम मन दुख करी कहिला जे ता स्वामी परदेश जाइथिबारु एबे तार संपूर्ण दायित्व ता सासुमांकर सेवा करिबा तेणु से ता सासुघर छाड़ी कुआडे जाई पारिबो नाही। परी आश्वासना देई कहिला जे मु जेतेबेले अछि तुमे व्यस्त होबार कोन अछि तुमे आराम से तुम घर को जाई पारो। तापर पूनम ता माँ को भेट हवाकु चली गला आउ एपटे आशा परी पूनम रो रूप नहीं गला। सासु पूनम को डाकी पचारी बुझिले जे पूनम घर काम कण सरी गला खाद्य प्रस्तुति कण होई गला आउ पूनम मध्ये हां भरिला जे से घर रो सब काम करि सारिची एपरी कि खाद्य मध्ये प्रस्तुत करि सारिची। से घरे सासुमा किछि पचारीबा पूर्वरु घर रो सब काम सरी जाउथला आउ सासुमा पूनम रो एपरी परिवर्तन देखि आश्चर्य हे जाउथले। से सबुबेले कहुथिले जे पूनम तू एते जल्दी जल्दी घर काम केमिति सारी दउचु तो हातरे कोन किछि कुहुक अछि आउ पूनम मध्य बहाना मारी कहुथिला जे ए सबु केवल आपणक कृपा। एमिति किछि दिन बितिगला। पूनम मध्य ता बाप घरु फेरी आसिला। पूनम जेमिति कबाट पाखरे आसी पहुँचिला सासुमा ताकु देखि आश्चर्य होइगले। आलो पूनम तू कोठु आसुचु ता उत्तररे पूनम कहिला जे से बाहरु आसुचि। सासु एकदम आश्चर्य होइगले जे से एमितिका कथा केमिति कहि पारुचि एबे त से घर भितरे काम करूतला ताहेले बाहर को से केते बेले गला। पूनम मध्य कहिला जे मा आपनकर बोधुए देह भलो नाही सेति पई आपन एमिति कहउछंती चालंतु आराम करंतु। सासु एथर भाबिबाकु लागिले जे घर भितरे पूनम आउ घर बाहरे भी पूनम ए केमितिका संभव। पूनम मध्य थटारी कहिला जे मा सबु किछि हेई पारे भगवान जदि चाहंती सबु किछि संभव। सासु किछि न बुझिबारी पचारिले ठाकुर जदि संतुष्ट हेबे ताहेले कोन हबो। सेतेबेले पूनम घर पड़ोसी मालती सेठारे आसी पहुँची गला जहार कि बाप घर पूनम घर पाखरे थिला। से सीधा पूनम को पचारिला जे पूनम तू तो बाप घर केबे आसिलु। पूनम रो सासु मालती को भांग खाइथिबार अभिजोग करी कहिले जे पूनम ता बाप घर को केते बेले गला से तो एठारे ही थिला। मालती मध्य किछि न बुझि पारी कहिला जे से एमितिका कथा केमिति कहउछंती पूनम रो घर त तांक घर पाखरे आउ से पूनम तांक घरे थिबार देखिथिले। पूनम मध्य टिके चालाकी करी कहिला जे मालती माउसी आपण बधुए मो भौणी को देखिछंती आउ मालती मध्य चिड़ी जाई कहिला जे तुमे सासु बहु दि जण मते भकुआ बनौछ। सेतेबेले सासुमांक मुंड चक्कर खाउथला आउ से किछि भी बुझी पारु नथिले। मालती सेठारु चली गला आउ तांक सामनारे आशा परी प्रकट होई गला। आशा परी ता सासुंकु सबु किछि सत कथा कहिला जे मालती जहा कहउछंती सबु सत कथा कहउछंती। पूनम ता घरकु जाइथिला आउ एठिकार काम से निजे संभाळुथला। पूनम ता सासुंक अत्याचार केते सहुथला सेथिपाई मु पूनम रो दुख देखि पारिलिनी आउ ताकु साहाज्य करिबा पाई निष्पत्ति नेली। आमकु कहारु कि बि एते हैरान करिबा कथा नुहे जहाद्वारा कि ता जीवन कष्टकर होई पड़िबो।
ସବୁବେଳେ କାମ ହିଁ କାମ, ବିଚାରୀକୁ କେବେ ଟିକେ ଆରାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ମିଳୁନଥିଲା। ଯଦି ପୁନମ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ତା ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ? ଆପଣ ଥରେ ପୁନମର ଜାଗା ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସେଦିନ ପୁନମ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଥିଲା ଆଉ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର ତାନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ପୁନମର ଶାଶୁ ଏବେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ସେ ଆଶା ପରିକୁ ଆଉ ପୁନମଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଶାଶୁ ପୁନମଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ଯେ ସେ ପୁନମ ପ୍ରତି କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପୁନମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉ। ସେ ପୁନମଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ଯେ ତା ଭଳି ବୋହୂ ମିଳିବା ସତରେ କେତେ କଷ୍ଟକର। ଆଉ ଏବେ ଶାଶୁ ବୋହୂ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହୋଇଗଲେ।